हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स कॉल अ गर्ल, और मैं हूं आकांक्षा। सो गाइस, जैसी सनस्क्रीन के बारे में बात आती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हर एक वीडियो में। जहां तहां मुझे जरूरत पड़ती है या फिर मुझे मौका मिलता है, मैं आपको बताने लगती हूँ सिर्फ और सिर्फ एक सनस्क्रीन है जो कि हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल होगी, और स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। वो सनस्क्रीन है वाओ स्किन साइंस वाली, ये वाली सनस्क्रीन है, सिर्फ और सिर्फ एक सनस्क्रीन। तो गाइस, सनस्क्रीन के बारे में ना बहुत सारे मिथ थे मेरे दिमाग में। जब मैंने इसकी रिव्यू वीडियो की थी जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, तो मैं आपको सब क्लियरली बताए थे। मैंने अपने फेस पे इस सनस्क्रीन के अलावा कोई सनस्क्रीन ना एक दिन से ज्यादा यूज नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जब भी मैंने कोई भी सनस्क्रीन यूज की ना, जैसे चाहे वो लोटस की हो, चाहे वो अरोमा मैजिक की हो, मतलब कोई भी ब्रांड की हो, तो या तो मेरी स्किन को ज्यादा ऑयली बना देती थी, बहुत ज्यादा ऑयली लगने लगता था, बहुत स्वेटिंग होने लगती थी, या फिर ब्रेकआउट दे देती, या तो फिर मेरा फेस ना ज्यादा डल और काला काला लगने लगता था। तो मुझे लगा कि सनस्क्रीन मेरे लिए है ही नहीं, जब तक कि मुझे ये नहीं मिली थी। अब हम बात करते हैं आज के प्रोडक्ट की। तो गाइज, आपको जान के खुशी होगी कि वाओ स्किन साइंस ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो जिसका नाम है यूवी वाटर ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन स्प्रे। सो गाइज, ये स्प्रे टाइप की बॉटल में आती है, आप देख सकते हैं पैकेजिंग। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं, ये ना एक बाई फेस फॉर्मूला है। यहां पे ना इसमें एक लेयर है, इसमें नीचे ऑयल है और ऊपर वाटर है, ठीक है। तो ये बाई फेस फॉर्मूला है, आपको इसे ना बहुत ही ज्यादा, ये इजी टू यूज है, आप इसे मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। आपको इसे अच्छे से शेक करना है, सिर्फ उसे मेकअप के ऊपर ही नहीं, आप इसे कहीं पे भी, किसी भी बॉडी पार्ट पे यूज कर सकते हैं। इसे आपको अच्छे से शेक करना, शेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका जो फॉर्मूला है वो बाई फेस फॉर्मूला है। बहुत अच्छे से इसे शेक करना है और बस स्प्रे कर लेना है। आप इसे अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे बहुत इजीली स्प्रे कर सकते हैं। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेम है जो कि ये क्रीम वाली सनस्क्रीन में थे। इसमें है रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट, एवोकाडो ऑयल एंड आमंड ऑयल। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो रेस्पबेरी एक्सट्रैक्ट है वो रिच इन विटामिन सी होता है, जो कि एक नेचुरल सन ब्लॉकर है, जो कि स्किन से, जो यूवी रेज से आपकी स्किन को डैमेज होता है उससे बचाता है और हील भी करता है। उसके अलावा जो इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है वो रिच इन विटामिन ए एंड ई होता है, वो आपकी स्किन को ना फोटो डैमेज से और साइन ऑफ एजिंग से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो इसमें नेक्स्ट है वो है एवोकाडो ऑयल। एवोकाडो ऑयल एक नेचुरल सनस्क्रीन है जो कि आपकी स्किन को टैनिंग से बचाता है। उसके अलावा इसमें है आमंड ऑयल, जो कि रिच इन विटामिन ए है और साइन ऑफ एजिंग से, और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रखता है। तो ये इसके की इंग्रेडिएंट है। तो इसमें जितने भी जो सनस्क्रीन्स है ना, वो नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट की गई है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट की गई है, इसीलिए शायद ये हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, और इवन हाईली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, एकदम आपको इंस्टेंटली हाइड्रेशन तो देगा ही, उसके अलावा गाइस पॉल्यूशन वगैरह से भी आपकी स्किन को थोड़ा सा प्रिवेंट करेगा, क्योंकि जो पॉल्यूशन होगा, जो भी केमिकल्स या जो डस्ट पार्टिकल होंगे, वो आपकी स्किन के ऊपरी सतह पे बैठ जाएंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे। और अगर सनस्क्रीन की बात की जाए, जो लोगों को नहीं पता है या जिन्होंने अभी तक सनस्क्रीन कभी यूज नहीं की है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन क्यों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है सन से तीन टाइप की रेज आती है, यूवीए, यूवीबी एंड यूवीसी। यूवीसी रेज ओजोन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाती, लेकिन यूवी ए एंड यूवी बी जो रेज हैं, वो दोनों की दोनों लेयर हैं, जो रेज हैं जो हम तक पहुंचती है, जिनमें से यूवी ए रेज ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपकी स्किन की नेक्स्ट लेयर को, मतलब ऊपरी लेयर को नहीं, अंदर वाली लेयर को डैमेज करती है, अफेक्ट करती है। कैसे? आपकी स्किन को की इलास्टिसिटी को लूज करती है, इलास्टिसिटी को हटाती है, डिहाइड्रेशन देती है, हाइपरपिगमेंटेशन का, और साइन ऑफ एजिंग, प्रीमेच्योर साइन ऑफ एजिंग को आपको फील करने लगेंगे अगर आप कोई भी सन प्रोटेक्शन नहीं यूज करेंगे तो। अगर मैं बात करूं यूवी बी रेज की, तो यूवी बी जो रेज है वो आपकी स्किन के जो बाहर वाली सतह है ना, जो आपको दिखाई देती है, उसे अफेक्ट करती है। यूवी ए रेज का जो इफेक्ट है ना, वो आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे, लेकिन यूवी बी के जो इफेक्ट है, जो उसके जो भी वो डैमेज आपको पहुंचाती है ना, वो आपको इंस्टेंटली दिखाई देंगे। उनमें शामिल है गाइस टैनिंग, सनबर्न, रैशेस और इन्फ्लेमेशन।
ये सारे के सारे जो डैमेज है जो आपको दिखाई देता है वो होता है यूवी बी रेज से। और अगर स्प्रे की बात करूं तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ आता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है हमेशा आपको सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली लेनी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है ये यूवी ए और यूवी बी दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो हमेशा जब भी आप सनस्क्रीन लें ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली लें। उसके साथ साथ ये 30 SPF है और 30 SPF मुझे लगता है 2 घंटे के लिए आपके लिए एकदम सफिशियंट है। आपको हमेशा रीअप्लाई करना होता है सनस्क्रीन को। 2 घंटे से ज्यादा ना आपकी सनस्क्रीन लाइक वो फिर बेअसर हो जाती है। रीअप्लाई करने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। या तो आप पाउडर सनस्क्रीन ले सकते हैं या फिर आप ये स्प्रे वाली बॉटल ले सकते हैं। ये बहुत ही इजीली ना आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं यही कहूंगी पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि इसे ना एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, लाइक 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट तक ये आपको ना ऊपर दिखाई देने लग जाए, ऊपर दिखाई देगी, लेकिन 5 मिनट बाद में एकदम गायब हो जाती है, एकदम मैट फिनिश में आ जाती है। ये ऑल स्किन टाइप है, आप इसे पैर हाथ कहीं पर भी स्प्रे कर सकते हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी जो है ना फेस के लिए, तो मेरे लिए अभी भी यही परफेक्ट है, मैं यही यूज करती हूँ। लेकिन हाथ और पैरों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसे स्प्रे करना होता है हाथ पे भी और पैर पे भी और बस खत्म। अगर आप इसे शेक नहीं करेंगे, ऐसे स्प्रे करेंगे, तो हो सकता है आपको ऑयलीनेस फील हो, क्योंकि नीचे ऑयल है और ऊपर वाटर है। तो इसीलिए इसे शेक करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन में शामिल हो जाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छा लगा, बहुत ही लाइक इससे पहले मैंने कोई भी स्प्रे वाली सनस्क्रीन यूज नहीं की थी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सनस्क्रीन यूज करती हूँ। मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इसमें, वो ये है कि जो बॉटल मेरे पास आई उसकी पैकेजिंग ठीक नहीं है। जब मैं इसे स्प्रे करती हूँ ना तो ये लीक करती है, तो सिर्फ यही इसके साथ दिक्कत है। एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर है इसमें और कुछ नहीं है, पता नहीं चलेगा। इवन मेकअप के ऊपर भी, जैसे मैंने आपको बताया, मेकअप के ऊपर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस की और इसकी पैकेजिंग की। आप देख सकते हैं इस टाइप के स्लीक काइंड ऑफ इसकी कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आई है। इस पे इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन किया है, शेल्फ लाइफ मेंशन की है, और वाउ स्किन साइंस के किसी प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एक प्रोडक्ट है। 399 इसका प्राइस है। 399 रुपीज में आपको 100 ml क्वांटिटी मिलती है, जो कि मुझे लगता है काफी दिन चलेगी। 2 साल इसकी शेल्फ लाइफ है। ये मेड इन USA प्रोडक्ट है। तो यही मुझे आपको बताना था। नो पैराबिन, सल्फेट और कोई भी इसमें सिंथेटिक कलर या फ्रेग्रेंस नहीं डाली गई है। बहुत सिंपल सी पैकेजिंग है इसकी और बहुत स्लीक सी ये बॉटल है। ट्रेवल फ्रेंडली है, मैं तो यही कहूँ कि ट्रेवल फ्रेंडली है। बस हाँ, पैकेजिंग इसकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी बॉटल है उसकी पैकेजिंग खराब है, इसमें से प्रोडक्ट लीक करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा टफ है इसके साथ ट्रैवल करना। बट एनीवे, ये तो इस पैकेजिंग की प्रॉब्लम है। एनीवे, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, मेरे लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा? क्या आपने भी कोई भी सनस्क्रीन स्प्रे वाली से पहले यूज की है? अगर की है तो मुझे इसका एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। और आपका इस नए प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है, ये नए पैकेजिंग के बारे में क्या ख्याल है? अपने एक्सपीरियंस और अपने व्यू पॉइंट्स मुझे दीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।